चैप्टर्स हैं उसको भारत को कम तो दुबई है, जर्मनी है, इटली, फ्रांस, स्पेन, जापान, स्विट्जरलैंड, ग्रीस और आयरलैंड। तो ये एक बेयर को तुम यहाँ से इस चैप्टर के साथ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इसको। और इसका मकसद बेसिकली तो ये है कि जो पहले तो जैसे मैंने कहा कि गैप जो है जो एक पाकिस्तानी कम्यूनिटी का और गवर्नमेंट का उसको ख़त्म किया जाए, और ना कि यूके बल्कि पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी रहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके आए। फैशन कॉरपोरेशन के क्याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की फलाह बहबूद है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पाकिस्तान का जो इमेज है जिस हद तक बेहतर हो सकेगा उसको करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होगी इसका फोरम के तहत हम कोशिश करेंगे उसके और हो और उनके लिए हर मुमकिन जो जदोजहद की जा सकती है वो करेंगे। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें पाकिस्तानी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। फैशन कॉरपोरेशन के क्याम का मकसद सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी की फलाह बहबूद है, उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर हम पाकिस्तान का जो इमेज है जिस हद तक बेहतर हो सकेगा उसको करने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में होगी इसका फोरम के तहत हम कोशिश करेंगे उसके और हो और उनके लिए हर मुमकिन जो जदोजहद की जा सकती है वो करेंगे। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसमें पाकिस्तानी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकेंगे। मेरा नाम आसिम यूसुफ है जी, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ IBPC इंटरनेशनल फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉरपोरेशन। इस तंजीम को बनाने का मकसद ये है कि जो भी पाकिस्तानी ओवरसीज़ में रहते हैं, पूरी दुनिया में रहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। हमने इसका जो अपना हेड ऑफिस है वो UK के अंदर बनाया, बट हमारे जो चैप्टर्स हैं वो जर्मनी के अंदर, फ्रांस, इटली, स्पेन, दुबई, जापान, तो इन सब मुल्कों से हमारे ऑलरेडी चैप्टर्स का आगाज़ हम एक साथ कर रहे हैं। और अगेन इसका मकसद जो है वो है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो मसाइल हैं उनको एज ए प्रेशर ग्रुप की सूरत में पाकिस्तानी हुकूमती अवानों तक पहुंचाया जाए और उनका हल तलाश किया जाए। और ना सिर्फ उनका हल तलाश किया जाए, उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसको बेहतर करने के लिए जो यहाँ बिजनेस कम्युनिटी है दुनिया में रहती है उनको हम एक प्लेटफॉर्म लेके आएँ, ताकि हम सब मिलके पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें। बिकॉज़ हम लोग जो इस तंजीम में जितने भी लोग हैं मोस्टली वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन हैं, तो हमारे मुल्क में भी इस वक्त चाहिए ऐसी एक तंजीम या ऐसे लोग चाहिए जो उस मुल्क के मसाइल को हल कर सकें। बिकॉज़ हम लोग पाकिस्तानी एक ग्रेट नेशन है, तो मैं नहीं समझता कि हम लोग इसको कर नहीं सकते, वी ऑल कैन डू इट इंशाल्लाह। तो ये तंजीम का मकसद भी है कि उन सबको इकट्ठा करना और उन मसाइल को हल करना। शुक्रिया। इंटरनेशनल बिजनेस प्रोफेशनल कॉरपोरेशन का आज जो इजलास हो रहा है, जो आज इसकी बुनियाद रखी जा रही है, उसमें उन्होंने मुझे स्पोर्ट्स और कल्चर का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, और इंशाल्लाह मैं पूरे जोर और जोश के साथ इस ज़िम्मेदारी को पूरा करूंगा, और इससे हम पाकिस्तान में जो सकाफत है स्पोर्ट्स को उसको ले कर पूरी दुनिया में उसको हम आगे ले कर चलेंगे, अपने इंग्लैंड के माहौल में और यूरोप में जिधर जिधर पाकिस्तानी हैं उनको साथ ले कर चलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, और इस प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान को हर दुनिया के हर कोने में इस प्लेटफार्म को साथ ले कर और पाकिस्तान के लिए हम हर तरह की कोशिश करेंगे।